हाइड एंड सीक आपने तो बहुत बार खेली होगी, यानी मैं हाइड एंड सीक गेम की बात कर रही हूँ, जिसे इंग्लिश में हाइड एंड सीक कहते हैं और हिंदी में कहते हैं लुका छुपी। तो आप सबने बचपन में लुका छुपी जो है वो अपने कजन्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ खेली होगी, और अमूमन आपके भाई बहनों ने जो है वो आपको ढूंढ भी लिया होगा, और ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि हाइड एंड सीक गेम आपके साथ रॉन्ग हुई हो। यानी एक गेम जो है वो एक लड़के के साथ गलत हुई। हाइड एंड सीक खेलने की अगर बात आई, जहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि हम हाइड एंड सीक जो है वो गेम खेलेंगे, और वो खेल भी रहे थे, लेकिन वो हाइड हुआ अपने देश में, लेकिन वो निकला किसी और देश से। आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा, जब आपने हाइड एंड सीक गेम खेली होगी आप अपने घर के पास ही छुपे होंगे और घर के पास ही निकल गए थे, लेकिन इन्होंने कुछ अलग से डिसाइड किया था कि यानी हम लुका छुपी खेलेंगे, जिसे अगर हम डोगरी की बात कहें तो हम अपनी आम सी भाषा में छुपन छुपाई भी कहते हैं। तो इन्होंने भी ये गेम खेली, लेकिन इनके साथ जो है एक लड़के के साथ कुछ उल्टा हो गया। तो अभी आपको बताते हैं हुआ क्या था। जब गेम खेलने का डिसाइड हुआ, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम गेम खेलेंगे, और उन्होंने ये कहा कि आप कहीं भी छुप जाना, बस आपकी बाउंड्री जो है वो इस देश से बाहर नहीं होनी चाहिए, आपको अपनी बाउंड्रीज का ध्यान रखना है। तब क्या होता है, एक लड़का जो है वो अपने देश में सोता है, लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तब वो किसी और देश में होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हाइड एंड सीक गेम जो है वो इस बच्चे के लिए गलत साबित हो गई। हाइड एंड सीक गेम जो थी वो इस बच्चे के साथ इस गेम से ही मजाक हो गया और इसकी जान पर बनाई। आपको पूरी खबर बताते हैं कि ये लड़का है महज छोटा है, और इन सब ने डिसाइड किया कि हम गेम खेल रहे हैं हाइड एंड सीक, यानी जिसे हम कहते हैं छुपन छुपाई। और गेम में क्या होता है कि आपको छुपना होता है और एक व्यक्ति को आपको ढूंढना होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ, ये सब लोग जो है वो छुप गए और एक व्यक्ति जिसे ढूंढना था वो ढूंढने निकला। उसने सबको ढूंढ लिया, लेकिन एक लड़का नहीं मिल पाया, जिसका नाम भी अभी हम आपको बताते हैं। और वो लड़का एक हफ्ते के बाद कहें तो किसी और देश से जाकर मिलता है। ऐसा क्या हुआ उस पूरी गेम में, तो इसके बारे में जो है वो आपको जरूर जानकारी देंगे। ये लड़का जो है वो बांग्लादेश का रहने वाला है, ये हाइड होता है बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश में ही रहता है, लेकिन जब इसकी नींद खुलती है तब ये मलेशिया में जा पहुंचता है। बच्चे गेम खेलते हैं, और इनके जो गेम्स थे उनमें बहुत सारे फ्रेंड्स थे और कजन थे, उन्होंने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया था अपने बड़ों को कि हम जो है वो इस लोकेशन यानी अपनी देश की बाउंड्रीज के आसपास ही छुपेंगे, इससे पीछे कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि बच्चों का दिमाग खुराफाती रहता है, उसने कहा कि मैं सबसे लास्ट में ढूंढा जाऊं, लेकिन उसे क्या पता था कि वो कभी ढूंढा ही नहीं जाएगा। और एक उसे जो है जान की कीमत भी चुकानी पड़ सकती थी, लेकिन महज वो बच गया। 15 साल का ये लड़का है जो बांग्लादेश में रहता है, जिसे एक हफ्ते के बाद मलेशिया से निकाला गया। और हुआ क्या था, इसने छुपने के लिए कैसी जगह ढूंढी जहां से इसे कोई भी ना जो है वो इसे ढूंढ पाए, और ये कंटेनर में जाके छुप गया। और आपको यही बता दे कि ये कंटेनर जो है वो एक हफ्ते के बाद जाके मलेशिया में खुलता है। और सबसे पहले इस टीनेजर का नाम फहीम है, जो गेम खेलते हुए पॉट सिटी चितगोंग में जनवरी 11 को छुपता है और एक कंटेनर में जाके छुप जाता है, और ये कहता है कि मैं वहां पर आराम कर लेता हूँ, जब तक वो मुझे ढूंढने आएंगे मेरी नींद जो है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि ये नींद जो है वो हफ्ता दर चलने वाली है, हफ्ते से लंबी उसकी नींद है। उसका बैड लक ये था कि उस कंटेनर को बांग्लादेश से लोड किया गया और मलेशिया एक शिप के लिए चढ़ा दिया गया कि इसे मलेशिया जाके उतार दे। और जैसे ही 6 दिन के बाद में वो कंटेनर खुला, बच्चा उसमें 15 साल का भूखा प्यासा बिना पानी की एक भी बूंद के तड़पता हुआ पाया गया, और देखा कि इसकी हालत बहुत गंभीर है। तब सबसे पहले उसे मेडिकल उपचार दिया गया, उसे खाना खिलाया गया, पानी पिलाया गया, फिर पूरी कहानी पूछी गई। और अभी ये मामला जो है इन्वेस्टिगेशन के अंदर चल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश का एक 15 साल का टीनेजर जो है मलेशिया में मिला है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, और अगर पुलिस को ये पता चलता है कि ये कोई बहरूपिया या घुसपैठिया नहीं है, तो इसे जल्द ही घर वालों के हवाले कर दिया जाएगा। तो अगर आप भी कभी हाइड एंड सीक खेलें तो बहुत एहतियात से खेलें, अपने ही देश में सोएं और अपने ही देश में निकलें, और अपने घर के आसपास ही खेलें, इतनी दूर की बाउंड्रीज जो है वो ना सिलेक्ट करें, ताकि ना आपकी जान पर बनाए ना घर वालों की जो है जान हलक में लटक जाए। तो आपको ये हाइड एंड सीक गेम रॉन्ग होती हुई कैसी लगी है, और आपकी क्या राय है आप जरूर बताइएगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो उसके बारे में भी बताइएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्बुलेटन। आशिक खान से तलाक।